एग्रोनॉमी से मुराद होता है कि किसी भी फसल की काश्त के तमाम तरीकेकार, इसमें उसकी पूरी प्रोडक्शन होती है, उसको एग्रोनॉमी कहते हैं। हेम्प जो होता है वो कैनबिस फैमिली से अलग रखती है। इसकी 170 स्पीशीज हैं और 11 इसके ग्रुप है डिफरेंट। इसमें ह्यूमिलिस है, कैनबिस है, सेल्टिस है। सेल्टिस सबसे बड़ा ग्रुप है जिसमें 100 की स्पीशीज हैं और हेम्प है उसके अंदर आता है। इनकी जो क्लास है वो रोजेंस क्लास से अलग रखते हैं ये। आगे है स्टेज ऑफ कैनबिस ग्रोथ। हर प्लांट की तरह कैनबिस की ग्रोथ की लाइफ साइकिल है, उसकी स्टेज है जिसमें वो सीड से बीज से लेकर उसकी हार्वेस्टिंग तक और दोबारा बीज के हसूल तक उसको लाइफ साइकिल कहते हैं। जो बीज से सफर शुरू होता है और तमाम मराहिल तय करके बीज पे खत्म होता है, उसे किसी भी प्लांट का लाइफ साइकिल कहते हैं। और इसमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं जिसमें लाइट है, रोशनी है, पानी है और खुराक है। नॉर्मली अगर ग्रो करें 4 महीने चाहिए कम से कम टाइम है, और ज्यादा से ज्यादा 8 महीने की फसल है ये जो ये टाइम लेती है ग्रो करने के लिए। और अगर इसको आप प्रॉपर तरीके से ग्रो करें इंडोर ग्रीन हाउस में तो जो फ्लावरिंग इसकी है वो जस्ट 6 से 8 हफ्ते में आ जाती है। ये इसकी जी ग्रोथ स्टेजेस है जो कि हमने लिखी टाइम लाइन है कि जर्मिनेशन में 1 से 7 दिन लगते हैं, यानी कि 1 दिन भी लग सकता है, 7 दिन मैक्सिमम है। इसी तरह इसका जो सीडलिंग होती है, सीडलिंग कहते हैं जब वो 2 से पहले 2 ट्रू लीफ नहीं निकलते, उस स्टेज को सीडलिंग कहते हैं। उसमें 2 से 3 हफ्ते लग जाते हैं। उसके बाद वेजिटेटिव ग्रोथ है। वेजिटेटिव ग्रोथ उस पीरियड को कहते हैं जिसमें फ्लावर नहीं आता, फूल नमूदार नहीं होता। ये 2 हफ्ते से लेकर 8 हफ्ते तक की है। और उसके बाद आपकी प्री फ्लावरिंग होती है, इसमें 1 से 2 हफ्ते लग जाते हैं मरीज। और उसके बाद फ्लावरिंग आपकी 6 से 8 हफ्ते जारी रहती है। उसके बाद आप हार्वेस्टिंग कर लेते हैं। ये आप इसका लाइफ साइकिल देखें। 1 नंबर तस्वीर पे आपको लग रहा है सीड है ये, और 2 नंबर इसकी सीड जब हम बिजाई करते हैं, 2 नंबर पे आप देखेंगे ये डाइकॉट। जब सीड का इसका पल्ला ही होता है, सीड में से जब इसका जर्मिनेट करता है तो नीचे को एक रूट निकलती है, शूट शाफ्ट निकलती है, नीचे की जमीन में आती है, उसे रेडिकल शूट कहते हैं। उसके दबाव की वजह से ये ऊपर को उभरता है। और 2 डाइकॉट ये आप देखते हैं, 2 पत्ते निकले हैं डाइकॉट, गोल से पत्ते, इन्हें डाइकॉट कहते हैं। इसी तरह ये इसका तीसरी स्टेज है ये, इसमें आपको इसके बारे में बताए गए हैं कि लाइफ साइकिल की ये कैसे ग्रो करता है, क्या स्टेजेस हैं, इस दौरान इसको कितने परसेंट नमी चाहिए, क्या इसमें इसको डिमांड है इसकी न्यूट्रिएंट्स की, वो सारी आप इसमें देख सकते हैं। 5वें पे जाके ये फ्लावर का बता रहे हैं कि यहाँ पे जाके हार्वेस्टिंग काबिल हो जाता है और इसका फ्लावर कैसा होता है। इसको मजीद एलाबोरेट किया है। अब ये आप लाइफ साइकिल देखें इसका, सीड प्लांटिंग है, जर्मिनेशन है, स्प्राउटिंग है, फिर सीडलिंग आके जिसमें पहले लीफ निकल ही आते हैं, फिर प्लांट बनता है, फिर प्लांट विद फ्लावर है, फिर प्लांट विद फ्रूट है। प्लांट फ्लावर वही है जिस स्टेज में हमने इसको हार्वेस्ट करना होता है तेल के लिए। अगर हम तेल के लिए नहीं करेंगे तो वो कोई जो फूल होते हैं वो तब्दील हो जाते हैं, बदल जाते हैं फल के अंदर, जिसको बीज लगता है। ये सवाल किया गया था कि कैनबिस के लिए न्यूट्रिशन की क्या रिक्वायरमेंट है। तो ये अगर नाइट्रोजन की कमी होगी, आप पहले दे सकते हैं एन लिखे हैं, तो वहां पर इसके पत्ते जो पीले होने शुरू हो जाते हैं। फास्फोरस की कमी होगी तो इसके पत्ते जो उनसे पर्पल गुलाबी जामी होने लग पड़ते हैं। और के यानी कि पोटाश की कमी होगी तो पत्ते आप देख सकते हैं साइडों से इसके बर्न होने लग पड़ते हैं। ये इसके 3 बेसिक एलिमेंट्स की बुनियादी गजाई अनासर की कमी की अलामत हैं। ये हेम्प का मुकम्मल चार्ट दे रहे हैं आपको। इसमें सोडियम, कैल्शियम, बोरान, क्लोराइड, कॉपर, फास्फोरस, मैग्नीशियम, मैंगनीज, वल्बिनियम, फेरस, पोटाशियम, सल्फर, जिंक, इन तमाम का बताया गया है कि किसकी कमी से क्या इसमें नमूदार होती है, अलामत आती है, और क्या उसके पौधे का हालत है, उसमें कौन से निशान पड़ते हैं। इस सारे का सारा आपको जो असाइनमेंट मिलेगी आप इसको इजीली देख सकते हैं। जो लोग हेम्प को ग्रो करना चाहते हैं पॉट्स के अंदर, उनके लिए साइज दिया गया है पॉट्स का कि आपने 35 से 50 सेंटी यानी कि 1 से 1.5 फुट का पौधा होगा तो 3 लीटर वाला पॉट्स के लिए काफी है। जब उससे बढ़ जाएगा 2 फुट तक के लिए तो 5 से 7 लीटर का पॉट इस्तेमाल करें। और अगर आपका 1 मीटर नीचे 3.5 फुट तक चले जाता है तो आपको 8 से 10 लीटर वाला पॉट चाहिए। और 4 फुट से बढ़ जाए इसका तो आपको 12 लीटर वाला पॉट चाहिए। ग्रो बैग, ये बेसिकली ग्रो बैग्स हैं, पॉट से सस्ते पड़ते हैं और इनके अंदर आप हेम्प को ग्रो कर सकते हैं। और ये अब आपका ही जर्मिनेटिंग सीड क्या है कि आपने अगर इफेक्टिवली अपना सीड जर्मिनेट करना है तो आपको सबसे पहले जो चीज का ख्याल रखना है कि सीड आपका मैच्योर हो, यानी कि वो राइप सीड हो, वो पुख्ता सीड हो। और सीड मैच्योरिटी की निशानी कहती है कि वो शाइनी होगा, चमकदार होगा, ब्राउन लाइट से हल्के से गहरा ब्राउन होगा और ड्राई होगा, हाथ लगाने में सख्त महसूस होगा। ये इसके सीड की निशानदेही है। और अगर सीड आपके अंडरग्राउंड में पूरे मुकम्मल नहीं है, वो नरम होंगे या स्पैड और ग्रीन से लगेंगे आपको।
सीड्स को आप डार्क जगह पे, मॉइस्ट जगह पे, यानी कि जिसे हम कहते हैं बोरी के अंदर लपेट के रखें, गीली बोरी में, और क्या होता है या उसमें पानी के अंदर डाल के भी भिगो के रख सकते हैं इसे चंद घंटों के लिए, तो ये प्री जर्मिनेट कर जाता है, जिसे अंगूरी मारना कहते हैं। उसके बाद सीड्स को लाइट में, अंगूरी के बाद लाइट गीले करने के बाद लाइट में, मॉइस्चर में इसको स्टिमुलेट करता है कि हार्मोन, जिससे इसकी ग्रोथ तेज हो जाती है। और ये जो मैंने आपको पहले बताया था कि जब सीड से पहले एक सिंगल शूट निकलती है नीचे की तरफ, उसे रेडिकल शूट कहते हैं, उसके नतीजे में सीड आपका जमीन से बाहर आ जाता है। जो कॉमन जो आप कहते हैं मैरिजुआना होती है, जिसे हम कहते हैं, आप ये फर्क देखें, जो आपका यहाँ पे मैरिजुआना लगती है उसके अंदर आपका कॉटिलेडन के दो लीफ, ग्राउंडेड कॉटिलेडन लीफ बाइट नहीं आते, लेकिन जो सेटिवा है, सेटिवा में आपके दो पत्ते, गोल पत्ते पहले बाहर आते हैं, ये इसकी निशानी होती है। सेकंड स्टेज इसकी आती है सीडलिंग स्टेज। सीडलिंग स्टेज के दौरान इसको बहुत ज्यादा लाइट चाहिए होती है, जो इसकी आइडियल लाइट कंडीशन है वो 18 से 24 घंटे है, इसको आपको लाइट चाहिए, लेकिन आपको इसको फुल डे भी इसको लाइट में रख सकते हैं आप, इसको कोई नुकसान नहीं है, लेकिन इसका रिक्वायरमेंट 18 घंटे आइडियल रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे वो फर्क पड़ता है, ग्रीन हाउसेज में आप ये रोशनी दे सकते हैं, इसलिए आपके अंदर वो बड़ी ऑप्टिमम ग्रोथ करेगी, और सीडलिंग स्टेज आपकी 2 हफ्ते में खत्म हो जाएगी, लेकिन अगर आप ग्रीन हाउसेज में बाहर है तो ये प्रोलॉन्ग कर देगी, क्योंकि लाइट आपकी इतनी ज्यादा नहीं होती। उसके बाद इसके सीडलिंग स्टेज पे क्या होता है कि ये डेवलप करता है, जो कि कैनाबिस लीफ में आता है। सीडलिंग स्टेज के अंदर कैनाबिस लीफ क्या होते हैं, जो इसके पत्ते होते हैं वो उनके ऊपर उंगलियों जैसे उसके निशान होते हैं, आपको पता लगा तो इसका देखेंगे वो, और उसे फिंगर कहते हैं। नॉर्मली 3 फिंगर तक ये सीडलिंग स्टेज पे होता है, 3 से जब मैच्योर फिंगर हो जाते हैं ये वेजिटेटिव स्टेज में आ जाता है। कैनाबिस के सेटिवा के पौधों के ऊपर 13 फिंगर हो सकती है, यानी कि हमारे इसमें 5 फिंगर है ऐसे हाथ पे, तो इस पे आप देखेंगे तो इस पे 13 फिंगर आ सकती हैं, और ये इसकी निशानी होती है, लेकिन नॉर्मली 7 या 5 फिंगर ही होते हैं, 7 सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, 7 फिंगर एक पत्ते पे जो फिंगर बनते हैं, 7 फिंगर होते हैं मैक्सिमम नॉर्मली पाए जाते हैं। हैंडलिंग होता है, शॉर्ट होता है और उसकी थिक होता है, उसके पत्ते जो से होते हैं वो वाइब्रेंट ग्रे तेज ग्रीन कलर के होते हैं। अगली स्टेज की वेजिटेटिव ग्रोथ स्टेज है। वेजिटेटिव ग्रोथ स्टेज में जब 7 फिंगर नमूदार हो जाती है एक पत्ते पे, तो पौधा अपने सीडलिंग से वेजिटेटिव ग्रोथ स्टेज में आ जाता है। इसका मतलब है कि इसके ऊपर अब वो स्टार्ट हो गया, ये वेजिटेटिव ग्रोथ पे आ गया, अपना कट काट निकालेगा, ये अपनी सीडलिंग स्टेज से बाहर आ चुका है। इस स्टेज पे इसको आपको अगर पॉट में है तो रिट्यूकेट करना पड़ता है। इस पे नोड्स नमूदार होते हैं, मूवी तौर पे स्टार्ट पे जो नोड्स होते हैं वो आप इधर देखें सब दोस्त, ये शाखे इधर से दोनों तरफ अपोजिट निकलते हैं, दो नोड इकट्ठे निकलते हैं, लेकिन एक दूसरे के पैरेलल निकलते हैं, राइट को निकलता है, लेफ्ट को निकलता है। लेकिन जब वेजिटेटिव ग्रोथ की सीडलिंग स्टेज में होता है, वेजिटेटिव ग्रोथ में क्या होता है कि ग्रोथ आपके नोड होते हैं इकट्ठे निकलते हैं, लेकिन एक ऊपर निकलता है, एक थोड़ा नीचे निकलता है, अल्टरनेट नोड्स भी आ जाता है, वो वेजिटेटिव ग्रोथ की निशानी है। जब इकट्ठे नोड निकल रहे हैं उसका मतलब है आपका सीडलिंग स्टेज पे है, और ये अभी प्रॉब्लम नहीं दे सकता, लेकिन जैसे वेजिटेटिव ग्रोथ पे है, एक नोड निकले, एक पत्ता पहले निकला है, 4 उसे थोड़ा सा छोड़ के दूसरा पत्ता निकल आएगा, 4 से कहते नोड बन जाएगा, तो ये इसे 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 कहते हैं वेजिटेटिव ग्रोथ कहते हैं। वेजिटेटिव ग्रोथ के दौरान जब सा ये पौधा होता है, इनको फासला कहते हैं, कम से कम भी आप रखें तो फासले के कम से कम ये 2 से 3 फुट लॉन्ग हो जाते हैं, कितना फासला होना चाहिए कि पौधे आपके कंजस्टेड ना हो, ये फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए है। फाइबर के लिए तो आप जैसे बर्डिस को कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और इस स्टेज के दौरान जो सबसे ज्यादा आपको होता है, थोड़ा सा हल्का गर्म टेम्परेचर चाहिए होता है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड, और हल्की ड्राई हवा चाहिए होती है, मॉइस्चर सीडलिंग स्टेज में ज्यादा चाहिए होता है, वेजिटेटिव स्टेज में कम चाहिए होता है, नाइट्रोजन और पोटेशियम ज्यादा इस मिकदार में चाहिए होती है। ये 7 से 14 दिन तक होती स्टेज होती है, प्री फ्लावरिंग स्टेज कहते हैं। इसमें आप डिटरमिन करते हैं कि प्री फ्लावरिंग स्टेज में कि आपका पौधा जो था मेल है या फीमेल है। अगर वो फीमेल है तो आप उसको कंटिन्यू करते हैं तेल के लिए, अगर वो मेल है तो उसको आप डिस्कार्ड कर देते हैं, जाया कर देते हैं, क्योंकि वो आपके बाकी पौधों को भी खराब करेगा, उनकी पॉलिश को खराब करके उनके सीड को खराब कर देगा। इसलिए इस स्टेज के ऊपर आपको लाजमी चेक करना होता है। आगे आपको फिर से वादे करूंगा कैसे आप पहचानेंगे कि मेल है फीमेल है, बहुत इजी आसानी है। इसमें क्या होता है, मेल होते हैं उनकी वो निशानी बताइए, उसके ऊपर क्या होते हैं कि थैलियां नमूदार होती हैं नोड्स के ऊपर, ग्रीन कलर की थैलियां, और नोड एरिया में उसकी मेल की निशानी है, जो कि सीडलिंग होती है फीमेल होती है, उसमें पिस्टल यानी कि फूल जो निकलता है उससे पहले बाल नुमा स्ट्रक्चर निकलते हैं,
अभी आगे आपको तस्वीर में दिखाते हैं, आपको सारा नजर आएगा वाले क्लियर तौर पे। ये जी हेम का पौधा आप देख सकते हैं आपके राइट साइड पे जो व्हाइट फ्लावर है, ये हेड लाइक स्ट्रक्चर है, ये आपका फीमेल है, और लेफ्ट साइड पे देखेंगे जो पीला सा लग रहा है ये मेल पौधा है। आगे जाके ये आप गौर से देखें, ऊपर वाला मेल है, नीचे वाली फीमेल है, ये प्री फ्लावरिंग स्टेज पे है। आपको क्या फर्क नजर आ रहा है, मेल में आपको थैली निकलती है छोटी सी, यहाँ से चाप निकलती है, नोट बनती है, वहां पर आप देखेंगे छोटी सी थैली होगी, नजर आ रही है आपको ऊपर, ये इसे सैक कहते हैं। फीमेल में इसके बजाय बाल नुमा स्ट्रक्चर निकलता है, ये बाधा निशानी है इसकी, इससे आप पहचान लेते हैं कि ये मेल पौधा है या फीमेल पौधा है, इस पे मादा फूल लगेंगे या नर फूल लगेंगे। इसी स्टेज पे आपने इसको डिस्कार्ड कर देना होता है, अगर आपके ये फूल को सैक बन रहे हैं तो मादा और नर है तो आप उसको निकाल दें, आप उसको मत रखें। ये बातें निशानी आपको जूम करके दिखाई गई ताकि इजी हो जाए आपके लिए। जो नर है उस पर थैलियां निकलती है छोटी छोटी, और जो मादा होती है उसके बाल बाल फ्लावरिंग प्री फ्लावरिंग से कहते हैं बन जाते हैं। ये बड़ी बातें निशानी है, इसे आप आराम से पहचान सकते हैं कि कौन सा पौधा है, कौन सा मेल है, कौन सा फीमेल है। ये देखिए आप फीमेल प्लांट का, इसमें और ब्रीफ लेबोरेटरी दिखाया मुख्य एंगल से, ये देखिए फीमेल प्लांट जो है जिसमें वो बाल मत निकल रहे धागे निकल रहे हैं और मेल के अंदर थैलियां नमूदार हो रही है। ये मेल फ्लावर दिखा रहे हैं, जो दायरा है गमले के ऊपर पौधा लगा हुआ है, ये मेल फ्लावर क्या है उसमें आपको दिखा रहे हैं, जो दायरा है दायरे की वजाहत की जा रही है कि यहाँ पे ये सैक निकलता है। प्री फ्लावर लुक लाइक लिटिल बॉल्स विद नो हेयर्स, यानी कि इसके ऊपर जो लिटिल बॉल निकलता है इसके ऊपर कोई भी हेयर कोई भी और बाल नहीं होता, छोटी सी छली सी थैली नुमा चीज नमूदार होती है, और ये 3 से 4 हफ्ते यानी कि जर्मिनेशन के 3 से 4 हफ्ते 21 से लेकर 28 दिन के दौरान निकल आता है। इससे आपको पता चल जाएगा कि ये मेल फ्लावर है कि फीमेल फ्लावर प्लांट है। ये फीमेल का देखें, फीमेल का मेल के 2 हफ्ते बाद निकलता है, देखिए मेल का फ्लावर पहले निकलता है फीमेल का बाद में निकलता है। फीमेल का निशानी देखें, वो दिखाया कि पौधा दिखाया दायरे के अंदर दिखा रहे हैं कि उस पे फ्लावर निकलते हैं उसके ऊपर पेयर ऑफ व्हाइट हेयर, देखिए सफेद बालों का जोड़ा नमूदार होता है वी शक्ल में, ये उसकी निशानी होती है, इसे स्टिग्मा भी कहते हैं। ये बहुत वाज निशानी है जिससे आप आसानी से पहचान कर सकते हैं। इन पौधों पे 4 हफ्ते के अंदर आपके मेल फ्लावर निकल आए हैं तो वो तो वाजे हो गए आपके कि ये पौधे आपके मेल हैं। ये देखें जी, यहाँ ऑटोडाइड है, इसमें एक ही पौधे पर एक नोट पे मेल होता है एक पे फीमेल होता है, इन पौधों को भी नहीं रखते क्योंकि ये भी आपकी नजर खराब कर देते हैं बेसिकली। ये देख रहे हैं आप, इसमें बड़े वाजे हैं दायरे में दिखाया गया कि एक ही पौधे के ऊपर आपका मेल फीमेल दोनों होता है, फीमेल का फ्लावर ऊपर जाके ग्रो कर रहा है गुच्छे के अंदर सेंटर में निकलता है और मेल फ्लावर जो होता है वो थैलियां बनी हुई है जिसे छोटी थैलियां, ये जो पिंक वाला फीमेल है जिसमें जमा का निशान नीचे को है और जिसमें तीर का निशान ऊपर को है नीले वाला निशान वो मेल है। फीमेल का बिल्कुल इब्तदाई है ये मारिजुआना, वो पहले सर्टिफिकेट रखा था मारिजुआना में व्हाइट नहीं होता, मारिजुआना में आपको ग्रीन हेयर निकलता है, ग्रीन हेयर निकलते हैं जो हमारे इंडिका लगा हुआ है ना मारिजुआना उसमें ग्रीन व्हाइट या ग्रीन लीव निकलते हैं इसके फीमेल के। ये एग्जैक्टली आपको लोकेशन दिखाई गई है कि नोड किसे कहते हैं, नोड जहां से शाखें निकलती हैं, ये फूल वहां पर निकलते होते हैं मेल फीमेल दोनों, इनके जो निशानी है फूलों की इनके फूल शाखों के सिरों में निकलते हैं बल्कि शाखें जहां से निकलती है शुरू होती हैं हेम के फ्लावर वहां पे निकलते हैं। ये हेम का मैच्योर सीड है जो मुकम्मल तैयार है जो आगे जनरेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, शाइनी ब्राउन लाइट से डार्क ब्राउन कलर का होता है और सख्त हार्ड होता है, ये हेम का सीड है, इसको जानवरों की खुराक के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसके अंदर भी तेल होता है उसे हेम्प ऑयल कहते हैं, वो सीबीडी नहीं कहलाता टीएचसी नहीं कहलाता, सीबीडी या टीएचसी सिर्फ फ्लावर से निकलता है या पत्तों से मिलता है या इनकी नई नरम शाखों से मिलता है, ये जो सीड से तेल निकलता है उसे हेम्प ऑयल कहते हैं, इसकी अलग खास है। इंडिका और सैटिवा में फर्क कैसे पहचानेंगे कि पौधे में फर्क कैसा है, फूलों का जो फ्लावर कहेगा ये देखेगी ये आपके सामने आ गया जो आपका वाजे तौर पर आप देखें ये पाया जाता है डार्क कलर नहीं है, कलर तो सुनो का चार होता है वो सिर्फ यानी कि उसके पत्ते चौड़े होते हैं बड़े होते हैं उनपे बहुत क्लोज होते हैं डेंस पत्ते होते हैं और जो सैटिवा होता है उसके पत्ते फिंगर की तरह होते हैं वो भी फिंगर नुमा लेकिन ये कम होते हैं पतले होते हैं लंबाई में ज्यादा होते हैं, वाजे फर्क है इसके होते हैं दोनों सूचना आगे होते हैं। उसके बाद आपको ये बता रहे हैं स्किनी लाइट ग्रीन लीव्स टॉल स्लिम प्लांट्स देखिए स्किनी पतले हल्के हरे देखिए सटीवा ये स्टिमुलेटिंग है ये आपको जगाता है होशियार करता है इसका आयोजन है प्लांट एक्सट्रैक्ट जो होता है और जो उसमें इंडिका होता है रिलैक्सिंग यानी कि आपको मदहोश कर देता है इनके ऑयल का ये डिफरेंस है प्लांट के एक्सट्रैक्ट का
मजमुई असर है, वैसे तो उनमें दोनों चीजें पाई जाती हैं, लेकिन मजमुई जो असर होता है वो ये होता है, वो आपका नाइटी स्लीपी कर देता है या आपको रोशनी देने के सूर्य के जगा के रखता है। सतीवा आपकी बैटरी का निशान दिखाया है, बैटरी का मतलब क्या है कि आपको एनर्जाइज करता है, तवानाई देता है, ठीक है ना। और दूसरी तरफ वो जो साफ करता है वो आपके दिमाग को सुकून देता है। यहाँ पे आप दिखाएं वो आपको लाइट का बल्ब रोशन किया हुआ है कि आपको उसको रिस्पॉन्स को बेहतर कर, फोकस को बेहतर कर देता है, आपके सोचने समझने की साइज को सतीवा बेहतर कर देता है। ये दोनों का फर्क है, दोनों ही इस्तेमाल होते हैं, एक नॉर्मल हेयर के हेल्थ के लिए इस्तेमाल होता है, एक बीमारी के लिए इस्तेमाल होता है, ये दोनों का फर्क है। अच्छा भटानी के लिए क्या फर्क आता है, वो ये फर्क आता है कि आपने देख लिया है कि पत्तों में फर्क आ गया। उसके अलावा जो इंडिका प्लांट जिसे फुद्रो कहते हैं, भंग कहते हैं, उनके पौधे छोटे होते हैं हमारे से सतीवा से कट के अंदर, और उनका जो स्टाक होता है, तना होता है, वो वुडी होता है, लकड़ का होता है, जबकि सतीवा का फाइबर्स होता है, फाइबर से भरपूर होता है, उसमें फाइबर्स होती है, उसको पूरा संभाल लेता है, इसका जो तना होता है लकड़ी जैसा होता है, जलाने के काम आता है, ये फर्क इसमें बताया जाता है। अच्छा अब इसमें मजीद आगे बढ़ते हैं, क्रेमिनाइट्स क्या होते हैं, जो ऑयल पाए जाते हैं जिनका जिक्र हो रहा था, इसमें होते हैं, पहला ऑयल होता है टेट्राहाइड्रोक्रेमिनॉल TSC कहते हैं, जो सेटिवा होते हैं उसके अंदर TSC की रेशियो ज्यादा होती है, और जो इंडिका होते हैं उसमें क्रेमिडियोल यानी कि CBD की रेशियो ज्यादा होती है। सबसे ज्यादा यही लोगों को स्टडी किया जाता है, सबसे ज्यादा यही पाए जाते हैं, लेकिन वैसे अगर देखा जाए तो जो इसका भंग का जो तेल है CBD से कहते हैं, उसके अंदर कैनबिडाइड जिसे कहते हैं, कैनबिडाइड कहते हैं, उसके अंदर 144 किस्म का मुख्तलिफ किस्म के तेल पाए जाते हैं। ये इंडिका का बताया गया, इंडिका जनता है ओरिजिनेटेड कहां से है, मिडल ईस्ट, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, हमारा खुद रो पौधा है इंडिका जिसे भंग कहते हैं, इसीलिए हमारे जगह पे खुद ब खुद उगा हुआ है कि ये निकला ही हमारे इलाकों से है, इसको उगाने की जरूरत नहीं पड़ती हमें, ये हमारे इलाकों का नेटिव है, रायकी है हमारा, ये जिस हम यहाँ के रायकी है ये भी रायकी है हमारा पौधा। और इसमें क्या होता है CBD रेशियो ज्यादा होती है देन कैनबिस सैटिवा से, और जो TSC और CBD रेशियो बराबर बराबर होती है, यानी कि अगर इसमें 10 ग्राम CBD है तो 10 ग्राम इसमें TSC होता है। सैटिवा सैटिवा किस इलाके का है, साउथ एशिया, सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका, इन इलाकों से तल्लक रखता है, इसमें TSC की रेशियो CBD से कहीं ज्यादा होती है, ये इसका फर्क है। हाइब्रिड क्या होते हैं कि आप दो नस्लों को मिलाकर अपनी मर्जी का पौधा तैयार कर लेते हैं, मतलब आपको एक ऐसा पौधा चाहिए जो कि फाइब्रस हो लेकिन उसमें CBD भी ज्यादा हो, तो आप क्या करेंगे इंडिका का सतीवा के साथ क्रॉस कर देंगे तो आपको हाइब्रिड मिल जाएगा, उस क्रॉस का आगे फिर क्रॉस कर देंगे फिर आपको डबल हाइब्रिड मिल जाएगा, जिसे कहते हैं डबल क्रॉस, उसको फिर किसी के साथ क्रॉस कर देंगे तो ट्रिपल क्रॉस मिल जाएगा, इस तरीके से आप अपनी मर्जी की नस्ल पैदा करते जाएंगे। रूटिनेलिस जो सा ये क्रेबिस की नस्ल है, ये पाई जाती है सिर्फ ठंडे इलाकों में जैसे कि यूरोप में पाई जाती है, इसका बेनिफिट ये है इसमें भी TSC और CBD दोनों पाए जाते हैं लेकिन ये कम वैल्यू होते हैं, काफी जिक्र नहीं होते, इसलिए ज्यादा कमर्शियल वैल्यू नहीं है। इसका फायदा सिर्फ यही है कि इसको यूज किया जाता है सतीवा और इंडिका के साथ उनके हाइब्रिड पैदा करने के लिए, और ये यूरोप की नस्ल है, ये ऑटो से कहते हैं ऑटो फ्लावरिंग पे, इसका जैसे ये खास हद को इसका फूल पौधा पहुंचता है इस पे फूल नमूदार हो जाते हैं, इसका रोशनी का कोई अलग नहीं है। ये अफान कुश्त नाम है नस्ल का, ये इंडिका नस्ल से बिलोंग करती है, इसमें एवरेज जो अनुसार TSC 17 से 6% है, मिनिमम 14 से 4-7 है, ज्यादा 22% मैक्सिमम 22% पाया जाता है। फिर ब्लैकबेरी कुश है इंडिका की है, इसमें 15 से 9% है एवरेज है, मिनिमम कम से कम 12 से 5 होता है, ज्यादा 18% होता है। TSC की वैल्यू के ऊपर कितने परसेंट TSC उतनी वैल्यू पे आपकी इसकी पौधे की कीमत का फसल की कीमत का तयन होता है। फिर बुबा कश है, ये इंडिका है, ये भी बुबा कश होती है, हमारी अच्छी नस्ल है, ये पाकिस्तान की है, इसमें आपका 15 से 5% होता है, 10 से 2% आपका वो कम से कम होता है, 19 से 4% ज्यादा ज्यादा होता है। फिर हल्कुलिन सतीवा की है, ये इसमें सबसे कम पाया जाता है। इसी तरह स्ट्रॉबेरी कफ है, ये भी सतीवा की नस्ल है, इसमें 15 से 3% TSC होता है और मिनिमम TSC 8 से 7 ज्यादा 18 से 1 होता है। ये इनकी जो मच्योर जमाने नस्लें हैं। इसी तरह सोल डीजल है, इनके नाम रखे हैं इन लोगों ने, इसमें कम से कम 7 से 7 ज्यादा से ज्यादा 22% और एवरेज जैसा होता है इसका 16 से 6 होता है। फिर ट्रेन ट्रैक क्या है, ये हाइब्रिड है, इसको दो डिफरेंट से क्रॉस से बनाया गया है, इसमें ज्यादा से ज्यादा 19 से 8% TSC होता है, कम से कम 5 से 9 और एवरेज 14 होता है।
फिर ट्रू ओजी है, इंडिका की नस्ल है, ये भी पाकिस्तान में पाई जाती है। इसमें सबसे ज्यादा 22 से 2% होता है और कम से कम 13 से 4, एवरेज 18 से 5 है। अगर आप इसमें देखें एवरेज सबसे ज्यादा किस में पाई जाती है, तो आपको हैरानकुन मजारा मिलेगा कि सबसे ज्यादा एवरेज पाकिस्तान में पाई जाने वाली कुतरो भंग में है, इसकी THC की। लेकिन इसमें इतने ही परसेंट आपका CBD पाया जाता है, जिसको मंशियात कहते हैं। इस वजह से इसको अलाउ नहीं किया जा रहा कि ये फायदेमंद तेल के साथ साथ मंशियात का अंसर भी इसमें उतना ही पाया जाता है, ठीक है, इसलिए इसको अलाउ नहीं किया जा रहा। इसमें जो आपको तेल निकलेगा उसमें THC भी 18 से 5 निकलेगा और इतना ही आपका CBD निकलेगा।